दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स जिनेवा के वरिष्ठ सदस्य, सुप्रीम कोर्ट में पूर्व जज और मानव अधिकार आयोग के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर आनंद बर्धन ने कहा कि वह कृषि बिल के मुद्दे पर किसानों के साथ है। पोंटा साहिब में उन्होंने कहा कि किसान बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष जोरों से उठाया है। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने उनकी मांग को मान लिया और बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आयोग पहले जन जागरण अभियान चलाएगा और उसके बाद प्रदेश, जिला और उपमंडल स्तर पर कमेटियों का गठन कर मानव अधिकार की रक्षा के लिए काम करेगा। इस मौके पर रंजीत सैनी, एडवोकेट गुलशन अंसारी, एडवोकेट राजेंद्र शर्मा और हिमाचल किसान सभा के जिला सचिव गुरविंदर सिंह आदि भी मौजूद रहे। For the discussing of the issue of the that is a किसान issue, जैसे आपको पता है तीन अध्यादेश सरकार ने इस समय कोरोना पीरियड में लाए थे, तो हम ये समझ नहीं पाए कि क्या कारण है सरकार को इतनी जल्दबाजी करने का। पार्लियामेंट सेशन के अंदर तो उसका डिस्कशन नहीं हुआ, सरकार को ऐसी क्या जल्दी रही कि कोरोना में जब पूरा देश पूरा प्रभावित है, पूरी अर्थव्यवस्था हमारी इकनॉमी और पूरा सिस्टम हमारा ठप हुआ हुआ है, तो सरकार को किसानों की ऐसी चिंता क्या सता गई? ऐसा उनको किसानों की याद एकदम अचानक कैसे आ गई कि 20 जून को ही उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया और उसमें बात कर दी कि हम किसानों के हितैषी हैं। इस संबंध में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ साइलेंट योर ऑल जी एंड वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म टू यू दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सेप्ट अवर डिमांड्स and that is minimum support price. We say that कि ठीक है, जो भी किसानों का जो इशू है आप केंद्र सरकार उनके भले की बात कर रही है, पर लेकिन किसानों के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना आवश्यक है उनके हित के लिए। तो ये इस टॉपिक पर बात हुई है हमारी मीटिंग में, डिसाइड किया हम किसानों के इस मुद्दे का उनका समर्थन करते हैं और जो केंद्र सरकार ने हमारी मांग मारी उसके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। पर साथ में अभी हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ क्योंकि किसान देश की अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ की हड्डी है, बिना किसानों के कंट्री की इकोनॉमी नहीं चल सकती। अगर हम कहेंगे केवल किसान बेचारा किसान है तो ये कहना गलत होगा, किसान आज देश की इकोनॉमी का एक हमारे देश की इकोनॉमी की एक आधार स्तंभ है, उसके बिना हमारी इकोनॉमी जो है इंडियन इकोनॉमी जो है वो अधूरी है। 86 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड चेयरपर्सन होते हैं, तो नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेबी गवर्नमेंट अंडर द गाइडलाइन ऑफ द NHRC एज वेल एज जिनेवा। जिनेवा इज दैट इज यूनाइटेड नेशन, देयर इज अ हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द ह्यूमन राइट दैट इज कॉल्ड टू हाई कमीशन ऑफ द ह्यूमन राइट एट जिनेवा अंडर द गाइडलाइन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आई एम द सीनियर मेंबर ऑफ दैट वन, आई एम सिटिंग बिफोर यू, माय नेम इज डॉक्टर आनंद वर्धन एंड आई एम एच जज, दैट इज माय इंट्रोडक्शन। And now we are doing promotion and the protection of the human rights, old kind of the human rights. As you know that manav adhikar, human rights means manav adhikar. Manav adhikar mein sab kuch adhikar aate hain, hamare fundamental rights, maulik adhikar, saath mein hamare legal jo rights hote hain wo bhi include hote hain, aur iske alawa hamare environment se related jo issues hote hain, that is also the part of human rights. As Mr. Sharma knows that he's advocate, you are also advocate, you know that what is the meaning of the NHRC. So I have request you, please brief some about to the NHRC in a little bit, in a 2-3 sentence about to the NHRC. दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पोंटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
आभूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, डेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।